हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पांच वरना, जो कि सेल पे अवेलेबल है कार मॉल नासिक के अंदर, जो कि वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कार मॉल है। और इस वीडियो में मैं आपको इन पांचों कार्स की जो वो कंडीशन और डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आपको कितने प्राइस में यहाँ पे मिलने वाले हैं, आप इनके ऊपर कितना फाइनेंस कर सकते हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये है वो पांच वरना, ये फ्लूइडिक वरना मॉडल है। सारे के सारे जो मॉडल है वो फ्लूइडिक वरना के मॉडल है, आप देख सकते हैं। हम फर्स्ट वाले जो सिल्वर कार है उसे स्टार्ट करते हैं। आप इसकी अगर पूरी कंडीशन देख लीजिए और फ्रंट में इसके अंदर जो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, नीचे के साइड में आपको जो यहाँ पे DRLs भी आ जाती है, यहाँ पे जो फॉग लैम्प्स है वो भी आपको मिल जाते हैं। बाकी आप ये कार जो है वो पूरी देख सकते हैं, पूरी कार जो है वो चमक रही है। 2015 का मॉडल है और ये एक टॉप एंड मॉडल है। इसका पूरा एक बार लुक देख लीजिए, कार जो पूरी मिंट कंडीशन में है। इसके आप अलॉय व्हील्स भी एक बार देख लीजिए, इसके अंदर आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। और एक टॉप एंड मॉडल है, इसके अंदर आपको चार व्हील्स के अंदर जो डिस्क ब्रेक आते हैं। बाकी अब इसकी जो पीछे से भी पूरी एक बार लुक देख लीजिए, इसकी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहती है। वरना कि मुझे पर्सनली लुक जो है वो बहुत पसंद आती है। यहाँ पे आप देखिए तो आपको 1.6 SX की जो है वो बैजिंग मिलती है और जो पूरी कार है वो एकदम मिंट कंडीशन में पूरी चमक रही है। आपको पूरी कार जो है वो स्क्रैचलेस मिलने वाली है और आपको इसके ऊपर जो बहुत सारी क्रोम की फिनिशिंग मिलने वाली है। आप यहाँ पे विंडो के साइड में भी देखें तो पूरी जो है यहाँ पे आपको क्रोम की लाइनिंग मिलती है। जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको पूरे ही क्रोम हैंडल्स मिलते हैं और इसके अंदर जो है आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है। बस आपको ये बटन जो है वो दबाना है और ये गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसके अंदर की भी कंडीशन मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको बेज एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलता है। जो डोर्स है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे बेज है और यहाँ पे आपको जो वो वुडन फिनिशिंग भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको चारों विंडोज़ के जो वो पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे साइड मिरर के कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी आप इसका जो इंटीरियर भी एक बार देख लीजिए, जो इंटीरियर है वो बहुत ही सुपर्ब है। इसका इंटीरियर आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जो डैशबोर्ड वगैरह है उसकी भी आप एक बार पूरी लुक देख लीजिए, ये कार जो बहुत ही अमेजिंग दिखती है अंदर से। और जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स आने वाले हैं। और ये कार 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है, डीजल कार है। ऊपर के साइड में देखिए तो आपको सनग्लास होल्डर मिलता है। जो कार है वो पूरी अंदर से भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में, जो सीट्स है वो भी आप पूरे देख सकते हैं, पूरे ही क्लीन सीट्स हैं। एक बार जो इसकी पीछे की कंडीशन है वो भी पूरी देख लीजिए, पीछे से भी ये कार जो है वो पूरी ही क्लीन है। जो रेयर सीट्स है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और एक बार आप इसकी जो वो लेग स्पेस भी देख लीजिए, इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी जो है वो लेग स्पेस मिल जाती है, ये भी आप पूरा देख सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। ऊपर की भी आप एक बार कंडीशन देख लीजिए, ऊपर से भी कार जो है वो पूरी क्लीन है, आपको कहीं पे भी कोई भी घिसावट देखने को नहीं मिलेगी इस कार के अंदर। और जैसे कि ये मॉडल जो है एक टॉप एंड मॉडल है, इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे वूफर्स भी आ जाते हैं और इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, तो इसके अंदर आपको फुल सेफ्टी मिलेगी। तो अभी मैं आपको इस कार की डिटेल्स बता देता हूँ। ये है फ्लूइडिक वरना, 2015 का मॉडल है और सिल्वर कलर में है। ये एक टॉप एंड मॉडल है और ये कार जो है 43,000 किलोमीटर चली हुई है। ये एक फर्स्ट ओनर कार है। और अगर हम इस कार की प्राइस के बारे में बात करें तो ये कार जो है 7,90,000 में यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि नेगोशिएबल प्राइस होने वाले हैं। इसके ऊपर आपको 70-75% तक जो है वो फाइनेंस का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली कार की तरफ, जो कि है फ्लूइडिक वरना व्हाइट कलर में। ये भी 2015 का मॉडल है पर ये बस फेसलिफ्ट वर्जन है, तो ये भी आप पूरा देख सकते हैं। इसके अंदर भी जो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, नीचे के साइड में जो आपको फॉग लैम्प्स आते हैं और आपको इसके अंदर भी जो है वो DRLs आ जाती हैं। बाकी आप इसके भी अलॉय व्हील्स देख सकते हैं, ये भी आपको सेम प्रोफाइल के मिलते हैं, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है। और ये भी 16 इंच के अलॉय व्हील्स है। इसके अंदर भी जो आपको साइड मिरर्स में यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और इसके जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको क्रोम प्लेटेड मिलते हैं। इसके अंदर भी जो आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। जो इसकी कंडीशन है वो भी पूरी अच्छी है, ये भी पूरी स्क्रैचलेस कार है, पूरी मिंट कंडीशन में है। इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है वो डिफॉगर्स भी मिल जाते हैं, आप पीछे का एंटीना भी देख सकते हैं। तो जो पूरी कार है वो पूरी ही क्लीन कंडीशन में, ये आप पूरा देख सकते हैं। ये भी जो मॉडल है 1.6 SX मॉडल है। इस कार का भी मैं आपको एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको सेम कलर का इंटीरियर मिलता है, जो कि बेज एंड ब्लैक कलर का। और यहाँ पे भी आपको सेम जो है वो वुडन फिनिशिंग मिलती है, सेम यहाँ पे आपको जो वो पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं। और जो इसका इंटीरियर है पूरा ही सेम है, आप इसका इंटीरियर पूरा देख सकते हैं। इसके अंदर जो आपको सेम फीचर्स आते हैं, बस उसके अंदर जो है वो आफ्टर मार्केट एक स्क्रीन बिठाई हुई थी। इसके अंदर आपको वरना का ओरिजिनल जो है वो स्टीरियो मिलता है। बाकी जो पूरी कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, सीट्स भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में, पूरी ही प्रॉपरली क्लीन कार है। और इसके अंदर जो है आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, ये भी एक डीजल कार है। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग के ओवल भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एक बार पीछे के साइड की भी कंडीशन आप देख लीजिए, पीछे से भी ये कार काफ़ी क्लीन है। बाकी आपको फीचर्स तो सेम ही आने वाले हैं, इसी बार आप इसकी जो है वो कंडीशन एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक हैंडरेस्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको दो ग्लास होल्डर्स मिलते हैं।
और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर से भी ये कार पूरी क्लीन कंडीशन में है। आप इसकी जो कंडीशन है वो पूरी देख सकते हैं, कोई भी आपको इसके अंदर भी घिसावट देखने को नहीं मिलने वाली। तो अभी मैं आपको इस कार की भी डिटेल्स बता देता हूँ। ये है फ्लूइडिक वर्ना 1.6 SX व्हाइट कलर में है और ये भी 2015 का मॉडल है। ये भी फर्स्ट ओनर कार है और ये कार जो है 73,000 किलोमीटर चली हुई है। अगर मैं इस कार की प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये कार जो है यहाँ पे 7,90,000 में अवेलेबल है और इस कार के ऊपर भी जो है आपको फाइनेंस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप 5,50,000 तक इस कार के ऊपर जो है फाइनेंस कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली कार की तरफ, जो कि है फ्लूइडिक वर्ना। ये 2013 का मॉडल है। आप इसकी भी एक बार कंडीशन देख लीजिए। इसके अंदर जो है वो आपको सामने के साइड में हैलोजन हेडलैम्प्स आते हैं, नीचे के साइड में आपको इसके अंदर भी जो है वो फॉग लैम्प्स आ जाते हैं और ये कार भी व्हाइट कलर में है। आप इसकी जो है वो प्रॉपर पूरी कंडीशन देख सकते हैं। कार जो है वो पूरी क्लीन कंडीशन में है। यहाँ पे जो साइड मिरर्स है उसके अंदर आपको इंडिकेटर्स आ जाते हैं और जो कंडीशन है वो सच्ची में काफ़ी अच्छी है। आप इसकी जो पूरी कंडीशन है वो देख सकते हैं। आपको फीचर्स वाइज तो ये भी कार पूरी सेम मिलने वाली है जो पिछली दो वरना थी उनके जैसी। यहाँ पर आपको वरना की बैजिंग मिलती है और दूसरी साइड में देखें तो यहाँ पे आपको 1.6 की जो है वो बैजिंग मिलती है। जो कार है वो पूरी देख सकते हैं, इसके अंदर आपको ऑल व्हील्स नहीं आने वाले। दूसरी साइड से भी इस कार की एक बार आप कंडीशन देख लीजिए। दूसरी साइड से भी कार जो है वो पूरी क्लीन कंडीशन में है और इसको मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो इसका भी आप एक बार इंटीरियर देख सकते हैं। इसके अंदर भी जो आपको बेज एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलता है। पूरा जो इंटीरियर है वो आपको सेम मिलने वाला है, बस इसके अंदर जो है वो आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने वाला है। जी हाँ, ये कार जो है वो विद ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है। तो जिन लोगों को एक ऑटोमेटिक कार चाहिए वो इस कार को देख सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक कार है, इसकी पूरी एक बार आप कंडीशन देख लीजिए। पीछे से भी ये कार जो है वो पूरी ही प्रॉपर क्लीन कंडीशन में है। इसके जो सीट कवर्स है वो भी आप पूरे देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस कार की भी डिटेल्स बता देता हूँ। ये है फ्लूइडिक वर्ना 2013 का मॉडल है और ये कार जो है एक सेकेंड ओनर कार है। 98,000 किलोमीटर चली हुई। इस कार की अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये कार जो है यहाँ पे 5,90,000 में अवेलेबल है और ये जो प्राइस है ये नेगोशिएबल प्राइस है। यहाँ पे आके आप अपनी प्राइस जो है वो रख सकते हैं और इस कार के ऊपर आपको फाइनेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इसके ऊपर जो है 4,10,000 तक जो है वो आप इसके ऊपर फाइनेंस कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली कार की तरफ, जो कि 2014 की फ्लूइडिक वरना। आप इसकी भी एक बार पूरी कंडीशन देख लीजिए। ये भी कार जो है ये व्हाइट कलर में है और इसके अंदर भी जो है आपको यहाँ पे हैलोजन हेडलैम्प्स मिलने वाले, नीचे के साइड में आपको फॉग लैम्प्स भी मिल जाएंगे। जो पहली दो वरना थी उसके जैसे आपको सेम इसके अंदर अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे और ये भी 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। आपको यहाँ पे साइड मिरर्स में भी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और जो हैंडल्स है वो आपको पूरे ही क्रोम हैंडल्स मिलते हैं इस कार के अंदर। जो विंडो लाइनिंग्स है वो भी आपको पूरे ही क्रोम लाइनिंग्स मिलती है और इसकी भी आप एक बार पूरी कंडीशन देख लीजिए। ये कार भी काफ़ी क्लीन कंडीशन में है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे रियर मिरर में डिफॉगर्स मिलने वाले हैं। दूसरी साइड से भी एक बार आप देख लीजिए इस कार की कंडीशन। इसका भी एक बार आप इंटीरियर देख लीजिए। इसके अंदर जो है आपको ब्लू कलर की फुट लाइटिंग लगे हुए मिलेगी जो कि आफ्टर मार्केट है। इसका जो इंटीरियर है वो भी आपको बेज एंड ब्लैक कलर का मिलने वाला है। यहाँ पे आपको वुड फिनिशिंग मिलेगी। जो पूरा इंटीरियर है वो आप देख सकते हैं, इसकी आप कंडीशन भी पूरी देख सकते हैं। इसके अंदर आपको फैब्रिक एंड लेदर सीट कवर्स, ऐसे मिक्स सीट कवर्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो हैंडरेस्ट है उसके अंदर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिलने वाली है और ये कार जो है ये 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाली है। ये भी एक डीजल कार है। वैसे तो आज के वीडियो में हम जो भी कार्स देखने वाले हैं वो सारी की सारी डीजल कार होने वाली है। इसकी एक बार आप पीछे से भी कंडीशन देख लीजिए। पीछे से भी ये कार जो है वो पूरी ही क्लीन कंडीशन में है। ऊपर भी आप इसका रूफ देख सकते हैं, ये भी पूरा क्लीन है। तो अभी हम बात करते हैं इस कार के भी डिटेल्स के बारे में। ये जो मॉडल है 2014 का मॉडल है, Hyundai की फ्लूइडिक वरना। इसकी आप पूरी कंडीशन देख चुके हैं। ये कार जो है ये 1,10,000 किलोमीटर चली हुई है। सेकंड ओनर कार है और टॉप एंड मॉडल है वरना का। अगर हम इस कार की प्राइस के बारे में बात करें तो ये कार जो है यहाँ पे 6 लाख में अवेलेबल है, जो कि नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है और इसके ऊपर आप फाइनेंस भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर जो है वो 4,20,000 तक जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको काफ़ी डिसेंट सी इसके ऊपर जो ऑफर मिल जाती है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली कार के बारे में। ये भी जो कार है 2014 का मॉडल है, तो आपको 2014 में जो है वो दो ऑप्शंस मिलने वाले हैं। इसकी भी एक बार आप पूरी कंडीशन देख लीजिए। इसके अंदर भी जो है आपको सामने के साइड में हैलोजन हेडलैम्प्स आते हैं और नीचे के साइड में फॉग लैम्प्स आते हैं। ये जो कार है ये भी विद अलॉय व्हील्स आती है। इसके अंदर भी आपको जो है वो 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। जो साइड मिरर से उसके अंदर भी आपको जो इंडिकेटर्स आने वाले हैं। जो कार है वो पूरी आप देख सकते हैं। इसकी एक बार आप कंडीशन पूरी देख लीजिए। जो कार है वो पूरी ही मिंट कंडीशन में है। आपको हार्डली कोई इसके ऊपर स्क्रैच देखने को मिलेगा। यहाँ पे दूसरी साइड से भी इसकी आप एक बार कंडीशन देख लीजिए। इसकी भी एक बार आप अंदर से कंडीशन देख लीजिए। इसके अंदर भी जो आपको बेज एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलने वाला है। इसके ऊपर आपको आफ्टर मार्केट बेज एंड ब्राउन कलर की सीट कवर्स मिलेगी। ये भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। इसकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं। जो गाड़ी का डैशबोर्ड है वो भी आप देख सकते हैं। आपको सारी वरना की तरह आपको इसके अंदर भी सेम डैशबोर्ड मिलेगा
और बस इसके अंदर भी जो आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलने वाला है। तो ऑटोमेटिक में आज हमारे पास जो है वो दो कार्स है, दोनों कार जो है वो डीजल ऑटोमेटिक है। पीछे की भी एक बार इसकी कंडीशन देख लीजिए, पीछे से भी एक कार जो है वो पूरी ही क्लीन कंडीशन में है। इसका रूफ भी आप एक बार देख लीजिए, इसके अंदर भी आपको कोई भी घिसावट देखने को नहीं मिलेगी, पूरी क्लीन कंडीशन में अंदर से भी। तो ये वाली हमारी लास्ट कार थी और इस कार की मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। ये वाला जो मॉडल है 2014 का मॉडल है, ह्यूंडई फ्लुइडिक वर्ना, और सेकंड ओनर कार है। 90,000 किलोमीटर जो है ये कार चली हुई है। अगर मैं आपको इस कार की भी प्राइस बताऊँ तो इस कार की जो प्राइस है वो है 6,45,000, जो कि नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। आप यहाँ पे आके इन सारी कार्स में जो वो नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सारी कार्स की जो प्राइस है वो नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। और इस कार के ऊपर जो आपको फाइनेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आप 4,50,000 तक इस कार के ऊपर फाइनेंस कर सकते हैं। आप सारी कार्स के ऊपर जो वो 70-75% तक फाइनेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कौन सी कार देखनी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ऐसे अमेजिंग वीडियो में।